हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे यूएसबी पोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की। जैसे आप देख सकते हैं कि जो है ये यूएसबी पोर्ट है, और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कि अगर पोर्ट काम नहीं करता है, तो इसको हमें कैसे चेक करना होता है और उसको कैसे सही करना होता है। ठीक है, तो मैं आज बताऊंगा आपको कंप्यूटर के जो भी यूएसबी पोर्ट होता है इसके बारे में, एक एक जो भी प्रॉब्लम होता है उसको, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले है जो हमें ये देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूएसबी पोर्ट नॉट वर्किंग, जैसे इसमें कौन कौन से किस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूएसबी पोर्ट नॉट वर्किंग की जो प्रॉब्लम आती है, यूएसबी पोर्ट नॉट रिकॉग्नाइज का ऑप्शन प्रॉब्लम आता है, यूएसबी पोर्ट शॉर्टिंग प्रॉब्लम आता है, यूएसबी का जो पोर्ट होता है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, यूएसबी पोर्ट जो होता है ये कितने पिन का, चार पिन का होता है, चारों पिन या टू पिन जो है आपस में शॉर्ट हो जाता है। हैंग ऑन व्हेन कनेक्ट एनी यूएसबी डिवाइस, मतलब जब हम यूएसबी पोर्ट के अंदर कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, या कंप्यूटर जो है रिस्टार्ट हो जाता है या ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें उसको कैसे चेक करना है। उसके बाद से यूएसबी डिवाइस कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट प्रॉब्लम, जैसे कि कोई भी यूएसबी, चाहे यूएसबी पोर्ट के अंदर जो है यूएसबी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड या कुछ भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं, तो कभी कनेक्ट हो जाता है, कभी कनेक्ट नहीं होता है। तो ये टोटली जितने भी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम यूएसबी से इससे रिलेटेड आता है, तो इसके लिए अगर ये कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे चेक करना होगा, कैसे कंफर्म करना होगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर यूएसबी पोर्ट काम नहीं करता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ड्राइवर चेक करना होता है। अगर यूएसबी पोर्ट में कोई भी डिवाइस लगा रहे हैं और वो शो नहीं करता है, तो पहले तो आपको क्या कंफर्म करना है, ड्राइवर, कंप्यूटर के अंदर जाके, जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर जाके ड्राइवर का ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यूएसबी का ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल है। अगर यूएसबी का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो उसको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ऑटोमेटिक यूएसबी का ड्राइवर ले लेता है, मगर कभी प्रॉब्लम होने की वजह से जो है यूएसबी के ड्राइवर को अपडेट करना होता है या दोबारा इंस्टॉल करना होता है। अगर वो भी सही है तो दूसरा जो है चेक यूएसबी सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन, मतलब हमें क्या चेक करना है कि हमें ये चेक करना है कि कोई यूएसबी की सेटिंग जो है कोई डिसेबल तो नहीं हो गया है, या कोई सॉफ्टवेयर, जैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो यूएसबी पोर्ट को एनेबल डिसेबल करने के लिए होते हैं। ठीक है, या अगर रजिस्ट्री फाइल के अंदर जो है यूएसबी पोर्ट डिसेबल होने की वजह से भी जो है यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर सकता है, तो ये भी आपको देखना है। अगर ये भी ओके है फिर भी यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो क्या चेक करना है, चेक बायोस सेटिंग, बायोस के अंदर जाना है, और बायोस के अंदर जाने के बाद जो है आपको ये कंफर्म करना है कि बायोस के अंदर जो यूएसबी पोर्ट है वो एनेबल है या डिसेबल है। ठीक है, तो वहां पे एनेबल होना चाहिए, अगर वो डिसेबल होगा तभी भी यूएसबी पोर्ट काम नहीं करेगा, तो आपको बायोस की सेटिंग चेक करना है। वो भी सही है फिर भी जो है यूएसबी पोर्ट काम नहीं करता है, तो अगला जो हमें चेक करना है कि जो है यूएसबी पोर्ट जो है शॉर्टिंग हो सकता है, तो चेक कार्बन एंड डस्ट ऑन यूएसबी पोर्ट पिन, मतलब यूएसबी का जो पिन है उस पर हमें कार्बन और डस्ट के लिए चेक करना है। ये जो है अगर बात करें तो ये पोर्ट जो है इसके अंदर जो है कार्बन डस्ट आ जाता है। ठीक है, इस पोर्ट के अंदर, जिसके वजह से जो है ये पोर्ट में जो है प्रॉपर कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो नॉट रिकॉग्नाइज या वो प्रॉपर शो नहीं करता है। तो ऐसे ट्वीजर लेके और इसके पिन को ऐसे ऐसे हल्का सा या थिनर आईपी से हल्का लगा के ब्रश से भी इसको आप साफ कर सकते हैं, इसके पिन प्रॉपर साफ होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर इसको आपको ऐसे साफ करना है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। उसके बाद से हमें चेक करना है, चेक विंडो लाइक, जैसे 32 बिट या 64 बिट। सबसे मेन प्रॉब्लम ये भी होता है, चाहे वो लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, कि हम विंडो तो इंस्टॉल कर देते हैं मगर हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि जो हमारा मदरबोर्ड है वो 64 बिट को सपोर्ट करता है या 32 बिट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमें ये सबसे पहले ये कन्फर्म करना है, अगर यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो शायद विंडो जो है आपका 64 बिट को सपोर्ट कर रहा है, आपने 32 बिट डाल रखा हो, या वो 32 बिट को सपोर्ट कर रखा हो और 64 बिट डाल दिया हो, तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको ये भी कंफर्म करना है कि आपका जो भी विंडो डाला है वो कौन सा बिट है, वो बोर्ड उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं, उस बिट को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। ये भी सही है और फिर भी यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो सीधे आ जाएंगे हम यूएसबी पोर्ट पे। यूएसबी पोर्ट जो है कितने पिन का होता है,
चार पिन का होता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और इसके मैं पीछे भी आपको दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये 1 2 3 4, इसमें 4 यूएसबी पोर्ट लगा है। तो ये एक का ये 4 पिन है, दूसरे के ये 4 पिन है, तीसरे के ये 4 पिन है और चौथे का भी 4 पिन है। ये जो लाइन पोर्ट के साथ में इसमें भी 2 यूएसबी है, तो इसमें 2 यूएसबी का ऑप्शन दिया है। इसमें क्या होता है कि एक पिन साइड का ग्राउंड होता है, एक सप्लाई का होता है। एक पिन साउथ साइड का ग्राउंड होता है, एक सप्लाई का होता है। पहले इसको समझिए, फिर हम बोर्ड के बारे में देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक साइड का पिन जो है ग्राउंड होता है, जो ग्राउंड से बीप करेगा। दूसरे साइड का पिन जो है सप्लाई का पिन होता है, जिसपे 5 वोल्ट की सप्लाई जो है इसके पिन यूएसबी पोर्ट पे आता है। और बीच वाला जो पिन होता है वो टीएक्स और आरएक्स से होता है, मतलब ट्रांसफर और रिसीविंग के लिए होता है। वो डायरेक्ट जो है पीसीएच चिप से या साउथ रिसीव चिप से कनेक्ट होता है। पीसीएच का मतलब होता है प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब, जिसमें एक ही बोर्ड के अंदर एक ही चिप होता है, वो पीसीएच चिप होता है, उसी से कनेक्ट होगा। और पुराने जो बोर्ड होंगे जिसमें नॉर्थ और साउथ रिज होता है, उसमें साउथ रिज से जो है यूएसबी पोर्ट कनेक्ट होता है। जो आरएक्स और टीएक्स की जो भी सिग्नल होता है वो यहीं से रिसीविंग और ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसमें हमें मेन चेक करना क्या होता है, इसमें ग्राउंड चेक कर लेना होता है, प्रॉपर ग्राउंड है कि नहीं है। उसके बाद से जो है हमें पिन ये चेक करना होता है कि जो फर्स्ट नंबर पिन है इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर यहाँ जब तक 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगा, यूएसबी पोर्ट काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 वोल्ट अगर नहीं आता है तो इसके पास में कैपेसिटर लगा होता है, पोलराइज कैपेसिटर। ये कैपेसिटर चेक करेंगे, प्लस इसके पास फ्यूज लगा होता है, ठीक है। कैपेसिटर फ्यूज, इनमें से कोई खराब होने की वजह से या कैपेसिटर लीकेज होने की वजह से कभी कनेक्ट होता है, कभी नहीं कनेक्ट होता है, या नॉट रिकॉग्नाइज का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये लीकेज होने की वजह से फ्यूज चेक करेंगे, ये भी सही है। तो ये सप्लाई कहाँ से आता है, तो इसके पास में कोई ना कोई ट्रांजिस्टर या डायोड हो सकता है, आईसी हो सकता है या जम्पर हो सकता है, ठीक है। और इन सबको सप्लाई जो है एटीएक्स कनेक्टर का, जो 24 पिन का कनेक्टर होता है, वहां से इसको मिलता है प्रॉपर। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा बोर्ड के अंदर, तो ये है 25 पिन का कनेक्टर, ठीक है। यहां से जो है इसको सप्लाई मिलता है पोर्ट को हमें। यहाँ पे जो है इसके पास में जो है आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कैपेसिटर, यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फूल जाता है जिसके वजह से लीकेज हो जाता है, ये यहाँ फूल जाता है या ओपन हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यूएसबी पोर्ट पे सप्लाई नहीं पहुंच पाता है, या यूएसबी पोर्ट पे जो सप्लाई जो है बहुत ज्यादा पहुंच पाता है, या यहाँ पे सप्लाई कम पहुंचने की वजह से यूएसबी पोर्ट काम नहीं करता है, या कभी काम करता है कभी नहीं करता है, या प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता है। तो आपको ये कैपेसिटर चेक करना है। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पे फ्यूज है, ठीक है, ये फ्यूज है। तो ये फ्यूज खराब होने की वजह से भी जो है यहाँ पे यूएसबी पोर्ट पे 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली जो है फ्यूज को जो सप्लाई है वो आईसी के थ्रू मिलता है, ठीक है। अगर आईसी के थ्रू नहीं होगा तो यहाँ पे जम्पर, कोई ना कोई जम्पर लगा होता है, जम्पर के थ्रू मिलेगा, या ट्रांजिस्टर, जैसे इस टाइप के जो ट्रांजिस्टर होते हैं, इस टाइप के ट्रांजिस्टर से मिलेगा। अगर वहां से भी सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो इसको जो है डायरेक्टली जो है वो एटीएक्स जो कनेक्टर है, आप देख सकते हैं यहां से जो है इसको सप्लाई जो है प्रॉपर यूएसबी पोर्ट को मिलता है, ठीक है। तो अगर बोर्ड में अगर हम चेक कर रहे हैं यूएसबी पोर्ट पे प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, मतलब यहां पे सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, और ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट भी ओके है और ये फ्यूज भी ओके है, और फिर भी यहाँ पे सप्लाई नहीं पा रहा है, तो आपको करना क्या है, अगर ये आईसी खराब है और ये मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, या ट्रांजिस्टर खराब है, यहीं से इसको सप्लाई 5 वोल्ट का मिलना है और ये जो है काम नहीं कर रहा आईसी, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे या इस बोर्ड में इसके आसपास जहां पे भी 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है, इसके आसपास कहीं पे भी 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है ना, वहां से डायरेक्टली आपको जम्पर कर देना है। मतलब आपको जैसे कि ये मॉस्फेट पे 5 वोल्ट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, या यहाँ पे इस आईसीपी या मॉस्फेट पे इस पे आ रहा है 5 वोल्ट, तो यहां से एक वायर लेके वायर का एक पॉइंट जो है इससे कनेक्ट कर देंगे और दूसरा पॉइंट जो है डायरेक्टली फ्यूज से कनेक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए, चाहे वो आईसी के थ्रू आए या आप डायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं से जहां पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है वहां से डायरेक्टली यहाँ पे जम्पर मार सकते हैं। मतलब एक वायर लेके और वायर का एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट जो है जहां से वो सप्लाई 5 वोल्ट मतलब इन हो रहा है वहां से डायरेक्टली यहाँ जम्पर मार सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है अगर यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो आप एक एक स्टेप जो मैंने बताया इसका, ये स्टेप एक एक फ्लो करके आप कोई भी यूएसबी पोर्ट अगर वो काम नहीं करता है
तो उसको प्रॉपर जो है आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा यूएसबी से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।